नमस्कार, मैं नीतु सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। भागवत कथा का हुआ कार्यक्रम, जी हां, उत्तर प्रदेश बिजनौर मंडावर नांगल क्षेत्र के पुंडरी खुर्द ग्राम सभा में एक सप्ताह में चल रही भागवत कथा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ धर्मपाल सिंह, मेनपाल सिंह, अरुण कुमार एवं समस्त ग्राम वासियों ने हवन और भंडारे का आयोजन किया। बिजनौर से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट। जी, परिचय बताएं आप। मेरा नाम ओम प्रकाश जी, पुंडरी खुर्द सबलपुर भीतर तहसील जी जी जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। ये हमारे सभी ग्राम वासियों की इच्छा से यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया था जी। आज जो है उसका अंतिम दिन समापन हुआ उसका, उसके उपलक्ष्य में जो है भंडारे का प्रसाद वितरण हुआ। बहुत शांति प्रिय और बहुत सभी पूरे गांव का सहयोग और शांतिपूर्वक, इसमें जो है ना कोई किसी भेदभाव का जो है किसी ने कोई रखा और ना ये आगे को रखने की शपथ दी। कितने दिन का कार्यक्रम रहता है जी? ये सात दिन का प्रोग्राम था जी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। आज जो है ना कथा का समापन हुआ है जी, और उसके लक्ष्य में भंडारा किया गया जी। आप दें अपना परिचय। मेरा नाम मेन पाल सिंह जी, ग्राम पुंडरीपुर बोल चौकी सबलपुर भीतर जी, जिला तहसील नजोबा, जिला बिजनौर जी। ये जो हमारे संपूर्ण गांव से जो हो सहयोग से भागवत का कार्यक्रम चला जी, एक सप्ताह का कार्यक्रम था। आज उसका समापन हुआ, भंडारा चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र है जी। आप दें अपना परिचय। मेरा नाम सर अरुण कुमार जी, तहसील गजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से धर्मपाल होटल मैं बोल रहा हूँ जी। और हमारे यहाँ गत 7 दिनों से श्रीमद भागवत कथा का प्रवचन चल रहे हैं जी। आज उसका भंडारे का समापन हुआ है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोग भंडारे में खाना खा रहे हैं। धन्यवाद सर। फास्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मंडावर से राजीव कुमार। संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जी हां, आजमगढ़ फूलपुर दुर्वासा धाम पर आज लगभग 3 बजे से ही संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया। इस कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल हजारों लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही यहां 3 दिवसीय मेले में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, साथ ही मेले का आनंद लेते हैं। यहां प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त रहती है, लेकिन शासन की तरफ से यहां महिलाओं को स्नान के बाद कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं दिखी। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता इंद्रराज यादव की रिपोर्ट। पूर्णिमा के दिन यहाँ मेले में कितनी भीड़ लग जाती होगी? कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफ़ी भारी तादाद में, लाखों की संख्या में आते हैं लोग दूर दराज से मेला देखने के लिए, जो कि स्नान करने के बाद भगवान शिव को चढ़ावा चढ़ाते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, जो काफ़ी मुश्किलों के साथ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसके बाद दर्शन करने के बाद मेले का सब लोग भ्रमण करते हैं, लोग उठाते हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, हाथी घोड़ा का भी वहाँ व्यवस्था है कि जो घूमना चाहे मेले में घूम सकते हैं। और सारी सुविधा है, पुलिस प्रशासन कई थानों की फोर्स भी लगाया गया है, ताकि सुबह कितना बजे से नहाना चालू हो जाता है? सुबह तकरीबन 3 बजे से जो स्नान करना भक्तजनों का, वो स्नान करके अपना स्नान करके मेले का लुत्फ उठाते हैं, और मेले के में जो खरीदारी करना होता है वो खरीदारी करके अपने घर को वापस लौट जाते हैं। क्या आप स्नान कर चुके हैं? सुबह को 5 बजे निकले थे, स्नान किए और मेले का भी भ्रमण किए। मेले में काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है, जो हर जगह जगह पे पुलिस प्रशासन तैनात है, और ताकि कोई प्रकार की कोई किसी के साथ दुर्घटना या कोई हादसा ना हो सके। मेले की प्रशासनिक व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था, क्योंकि हर 10 मिनट पे पुलिस प्रशासन जो कि भ्रमण कर रही है, ताकि कोई लफड़ा या झगड़ा, बड़ी दुर्घटना ना हो सके, पूरी व्यवस्था दी गई है। आपका नाम क्या है? श्यामलाल मौर्य। धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। 550 वर्ष श्री गुरु नानक देव जी का धूमधाम से पाठ किया गया। जी हां, पंजाब के जिला फजिलका गांव मुलियावाली में सिंह सभा गुरुद्वारा 550 वर्ष श्री गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भाई अरविंद सिंह और भाई नवदीप सिंह द्वारा पाठ किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरुद्वारा साहब पहुँच कर गुरु महाराज के दर्शन किए। पंजाब से हमारे संवाददाता विजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयो गुरु रूप साध संगत, इलाका निवासी सारिया संगतां नूं, देशों प्रदेशों विच जिन्हें भी नानक नाम लेवा गुरसिख प्यारे ने, सारिया नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज दे 550 साल आगमन दिवस दियां लखां लखां वधाइयां ने। इस शताब्दी पिंड साध संगत मूलियावाली ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाई है। श्री अखंड पाठ आरंभ होए, पवित्र बाणी दे अज भोग पाए गए, गुरमत विचारां हुईयां, कथा कीर्तन होए और सारे ही नगर ने गुरुद्वारे साहब हाजरियां भरियां। बड़े प्यार ते श्रद्धा दे नाल इह गुरपुरब तनो मनो तनो जिहड़ा है संगतां ने मनाया। सतगुरां दीआं सिखियावां संजड़ियां, उन्हां दे उपदेश सिद्धांत उस संगत दे नाल सांझे कीते गए और जो अज दा समां है इहदे विच बड़ी जरूरत है सानूं गुरु महाराज दीआं सिखियावां दी इक सोहणा जीवन जीण दे लई। संजीवालता दा महाराज ने उपदेश दित्ता और सारे ही ब्रह्मंड दे अंदर बड़ी जय जयकार हो रही है। सारियां संगतां अपने अपने हिसाब दे नाल गुरु महाराज का यह आगमन दिवस जिहड़ा है उस संगतां ने मनाया है और बड़ियां बड़ियां संगतां नूं वधाइयां ने 550 साल शताब्दी दियां। इस तरह सारियां संगतां रल मिल के अपने गुरु साहिबां दे गुरपुरब जिहड़े भी साडे दिन ने गुरु साहिबां दे, इस तरह रल मिल के सानूं मनाउणे चाहीदे ने और उन्हां दीआं सिक्ख्यावां तों, उन्हां दे सिद्धांतां तों जो भी उन्हां सिक्ख्या दित्ती उहदे तों अपना जीवन जिहड़ा है ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की। जी हां, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित होने वाले ट्रस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल करने की मांग संगम नगरी प्रयागराज से उठी है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षनाथ पीठ के महंत और सीएम योगी के गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महंत नरेंद्र गिरी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम होने के नाते नहीं बल्कि गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर की हैसियत से राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किए जाने की मांग की है। महंत नरेंद्र गिरी ने राम मंदिर ट्रस्ट में सनातन धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्मावलंबी को सदस्य बनाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों के लंबे संघर्षों के बाद अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट से हल निकला है। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट में मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को शामिल करना कतई उचित नहीं है। इसे भविष्य में फिर भी विवाद की स्थिति आ सकती है। उन्होंने ट्रस्ट में चारों पीठों की शंकराचार्यों चार्यों रामानंदाचार्यों के साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के मदेन अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दूसरे साधु संतों को भी ट्रस्ट के साथ जोड़े जाने की बात कही। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि लेकिन ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जोड़ना गलत होगा और अखाड़ा परिषद ऐसे हर कदम का पूरा जोर विरोध करेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते महंत नरेंद्र गिरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, ट्रस्ट के गठन में किस तरह का विरोध है और सीएम को शामिल करने की किस तरह मांग कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है केंद्र सरकार से कि एक आप बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बनाइए रामलला मंदिर के लिए। हमारा कहना यह है कि वहाँ पे चारों पीठ के शंकराचार्य और चार रामानंदाचार्य उनको लेना उचित है क्योंकि आवश्यक भी है, और किसी दूसरे धर्म के लोगों को रामलला के ट्रस्ट में लेना उचित नहीं है। यह विवाद बहुत दिनों बाद समाप्त हुआ है तो पुनः विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें हम गले लगाते हैं, उनसे मिलते जुलते ये अलग बात है, लेकिन हमारे धर्म के ट्रस्ट में उनका आना उचित नहीं है। क्या वो किसी मस्जिद के ट्रस्ट में हम लोगों को लेते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, राम जन्म भूमि का जो आंदोलन था उसके सूत्राधार परम आदरणीय पूजनीय ब्रह्मलीन अवैधनाथ बैद जो गोरखपुर के पीठाधीश्वर थे उनके हम कैसे भूल जाएंगे? तो उनकी जगह अब योगी आदित्यनाथ जी हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा कहना यह है कि उनको पदेन जो गोरखपुर के कीट के पीठाधीश्वर हैं उनके पदेन उनको ट्रस्ट में लेना चाहिए ताकि गोरखपीठ का राम जन्मभूमि पे बहुत उनका योगदान रहा है। एज ए मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पे दिक्कत हो जाएगी, बदलते रहते हैं, लेकिन गोरखपीठ का जो पीठाधीश्वर होगा वह बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का मेंबर होगा रामलला के। तो अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी लेना उचित है, ये मेरी मांग है। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।